बच्चों, एक छोटा सा गांव था। गांव में एक धोबी रहता था। उस धोबी के पास एक गधा था। गधा बहुत काम करता था। गांव से कुछ दूरी पर एक नदी बहती थी। धोबी गधे को सुबह सुबह उठाता, उसकी पीठ पर कपड़े रखता और उसे नदी पर ले जाता। जब धोबी गधे की पीठ पर कपड़े रखकर ले जाता था तो गाना गाता था। गधा भी गाना सुनकर बहुत खुश होता था। मेरा गधा है सीधा सादा, मेरा गधा है सीधा सादा, मेरा गधा है सीधा सादा, मेरा गधा है सीधा सादा। अरे लेकर कपड़े नदी पे जाता, शाम को घर ले आता। मेरा गधा है सीधा सादा, मेरा गधा है सीधा सादा। कभी न करता झगड़ा मुझसे, कभी न करता झगड़ा मुझसे, जहां कहूं ले जाता। मेरा गधा है सीधा सादा, मेरा गधा है सीधा सादा, अरे गधा है सीधा सादा, मेरा गधा है सीधा सादा। रात को धोबी उस गधे को छोड़ देता था। गधा नहर के पास वाले मैदान में जाता, वहां पर खूब हरी घास खाता। सुबह होने पर गधा खुद ही घर लौट आता। एक रात जब गधा घास खाने गया तो उसे एक सियार मिला। सियार गधे से बोला, नमस्ते गधे भाई, क्या हाल चाल है? नमस्ते नमस्ते सियार भाई, बहुत अच्छा हूं। गधे भाई, क्या तुम हर रोज यहीं घास चरने आते हो? हाँ सियार भाई, मैं तो हर रोज यहीं घास चरने आता हूँ। तुम कभी पास के तरबूज के खेत में नहीं गए? पास के तरबूज के खेत में? नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, वहाँ का मालिक तो बहुत चालाक है। हाँ, इसीलिए मैं यहीं घास चरकर अपना पेट भर लेता हूँ। अरे वाह, वहां तो कितने मीठे मीठे बड़े बड़े तरबूज हैं। मैं तो हर रोज मीठे मीठे तरबूज खाता हूँ। तुम चलोगे मेरे साथ? नहीं भाई, मुझे तो डर लगता है। अगर खेत के मालिक ने हमें पकड़ लिया तो अरे हम तो रात के अंधेरे में छिप कर जाएंगे। मालिक को कुछ पता नहीं चलेगा। और फिर इतने सारे तरबूज लगे हैं, थोड़े से कम हो भी जाएंगे
तो क्या पता चलेगा? अच्छा, ऐसी बात है। तो अब फिर तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। हाँ हाँ, चलो चलो। और क्या, तरबूज खाएंगे। आओ आओ, मजे से खाएंगे। चलो आओ, चलो। गधा सियार के साथ उस खेत में घुस गया। उस दिन से गधा और सियार मित्र बन गए। दोनों रात को एक दूसरे से मिलते, खूब बातें करते और फिर चुपके से खेत में जाकर खूब तरबूज खाते। एक दिन गधा सियार से पहले ही खेत में पहुंच गया। उसने खूब पेट भर कर तरबूज खाए। कुछ देर बाद सियार आया। गधे ने उससे कहा, सियार भाई, आज तो बहुत देर में आए। यहाँ इतने मीठे मीठे तरबूज लगे हैं, इतने मीठे मीठे तरबूज लगे हैं कि मैंने तुम्हारे आने से पहले ही बहुत सारे तरबूज खा लिए। कोई बात नहीं गधे भाई, मैं भी खा लेता हूँ। आज तो बहुत सुहावना मौसम है। इतने मीठे तरबूज खाए हैं। आज तो मेरा मन कर रहा है कि खूब जोर जोर से गाऊं, गाऊं, गाऊं। ना 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 गधे भाई, ऐसा मत करना। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे तरबूज खाने दो। अरे सियार भाई, अरे तुम मेरा गीत सुनोगे ना तो खाना भी भूल जाओगे। हाँ, अरे 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 अरे, तुम गाना नहीं जानते। अभी गाओगे तो तुम्हारी आवाज सुनकर खेत का मालिक आ जाएगा। मालिक को भी आ जाने दो। हाँ हाँ हाँ, अरे वो भी मेरा गीत सुनेगा तो बहुत खुश होगा। हाँ गधे भाई, ऐसा मत करो, हम चोरी से यहाँ आए हैं। हाँ ना ना गधे भाई, अरे 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 बाप रे भागो, ये गधा तो पकड़वा कर ही रहेगा। अरे भागो, अरे भागो। मैं संगीत सम्राट गधा, मैं संगीत सम्राट गधा, देचू 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 देचू, मेरा गीत सुना करते हैं चंदा और सितारे। देचू देचू, गाना सुनकर गिर आए बादल काले। मैं संगीत सम्राट गधा, मैं संगीत सम्राट गधा, मैं संगीत सम्राट गधा, मैं संगीत सम्राट गधा। देचू 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 देचू। सियार ने गधे को बहुत मना किया, लेकिन गधा गधा था ना, नहीं माना।
वो मजे से ढेंचू ढेंचू के स्वर में गाता रहा। खेत के मालिक ने गधे की आवाज सुनी, वो दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में एक बड़ी सी लाठी थी। सियार तो पहले ही भागकर पास के खेत में छिप गया था। खेत के मालिक ने गधे को देखा, वो समझ गया हर रोज यही गधा खेत में आकर तरबूज खाता है। मालिक ने गधे को लाठी से खूब पीटा। ओ तो तू खा रहा था तरबूज? तू खा रहा था तरबूज? अले अले तरबूज खा रहा था तरबूज हाँ गधे तरबूज खा रहा था अले अले। गधा वहां से रोता चीखता भाग निकला। बहुत दूर जाकर वो रुका। मुड़कर उसने देखा खेत का मालिक कहीं दिखाई नहीं दिया। लाठी की मार से गधे की पीठ में बहुत दर्द हो रहा था। पांव में लाठी लगने से वो लंगड़ा हो गया था। दूसरे खेत से निकलकर सियार भी उसके पास पहुंच गया और बोला, क्या हुआ गधे भाई? पहले तो मुझे फंसवा दिया और अब कह रहे हैं क्या हुआ गधे भाई? भाई मैंने तो पहले ही मना किया था लेकिन तुम माने ही नहीं। अरे मैं गाना ही तो गा रहा था। अरे भाई हर काम का कोई समय होता है। हर काम समय पर और सोच समझ कर करना चाहिए। तुमने बिना सोचे समझे गाना गाया और तुम मुसीबत में फंस गए। इसमें मेरा क्या अपराध? आ भाई तुम ठीक कहते हो। बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। मैं बिना सोचे समझे चोरी करने चला आया। मैं अब कसम खाता हूँ कि कोई गलत काम नहीं करूँगा। गधे को सारी बात समझ आ गई। उसने अपनी गलती मान ली और कसम खाई अब वो कभी चोरी नहीं करेगा। और फिर गधा धीरे धीरे अपने घर की ओर चल दिया।